चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर सावन के अंतिम सोमवार को मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर में सहस्रघट रुद्राभिषेक एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर रविवार को मंदिर में मंदिर कमेटी की बैठक का आयोजन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। देश भर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सुरक्षित उतारने को लेकर प्रार्थना की गई। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी नागरिकों द्वारा अपना भक्तिभाव प्रकट करते हुए प्रार्थनाएं की गई। अब जब चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है और शिव शक्ति पॉइंट से हमारा रोवर चांद पर खोज कर रहा है, ऐसे में बाड़मेर में लोगों द्वारा ईश्वर से की गई प्रार्थना के दौरान बोली गई बोलियां पूरी करने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में चंद्रयान 3 की सफलता एवं सावन के अंतिम सोमवार को लेकर ऑफिसर कॉलोनी स्थित मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर में सोमवार को सहस्त्र घट रुद्राभिषेक एवं रात्रि जागरण के आयोजन होगा। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। ये भक्तों द्वारा जो भी मंदिर से जुड़ी हुई कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा एक मनोकामना की गई थी कि अगर चंद्रयान 3 सही तरीके से सफलतापूर्वक अगर लॉन्च हो गया तो हम उसके लॉन्च के पश्चात जो भी प्रथम सोमवार आएगा उस सोमवार को हम सहस्त्रगत रुद्राभिषेक करवाएंगे। उसी के अंदर कार्यक्रम के अंदर 11 ब्राह्मणों द्वारा कल दोपहर मॉर्निंग में 10 बजे से गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू होगा। शाम तक घंटे के 5 बजे तक रुद्राभिषेक 1008 जल के घड़ों से किया जाएगा महादेव का, और उसके लिए विशेष रूप से श्रृंगार तिरंगा के रूप में किया जाएगा। और जो माननीय मोदी जी के द्वारा जो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया उस नाम के अनुसार झांकी भी बनाई जाएगी। मंदिर पुजारी गजेंद्र रामावत ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट एवं भक्तों ने यह कामना की थी कि चंद्रयान 3 यदि सफल होता है तो महादेव मंदिर में सहस्त्र घट रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसका पोस्टर विमोचन रविवार को मंदिर प्रांगण में महादेव भक्तों ने किया। रामावत ने बताया कि पंडित गोपाल दवे के निर्देशन में अभिषेक प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे तक महाआरती के साथ इसका समापन होगा। इस महाभिषेक में 1008 मिट्टी के घड़ों में माध्यम से द्वादश शिवलिंग पर इसका मस्ताभिषेक होगा। रामावत ने बताया कि सोमवार की रात्रि को भजन गायक स्वरूप पवार एवं बिहारी पवार द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। उन्होंने अभिषेक की जानकारी देते हुए बताया कि विश्व कल्याण की भावना को यह आयोजन होगा। ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रातः काल में सहस्त्र घट रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा तो रात्रि में जागरण के आयोजन होगा। वहीं सुबह से शाम तक मंदिर में दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं की रेलम पेल लगी रहेगी।